क्लास एट लेट्स स्टार्ट आवर सेवन चैप्टर पेड इन द सेम कॉइन। तो आज हम अपनी ये स्टोरी शुरू करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 37। मैनी इयर्स अगो यू टू यंग मैन कॉल राम एंड श्याम लिव्ड इन अ टाउन। राम वॉज वेरी रिच बट श्याम वॉज पुअर। दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर विदाउट एवर थिंकिंग अबाउट देयर डिफरिंग स्टेटस इन द सोसाइटी। तो उन दोनों को, दोनों अच्छे दोस्त थे, एक शहर में रहते थे। राम जो था रिच था और श्याम बहुत गरीब था। वो दोनों अपने एक साथ समय बिताते थे, लेकिन अमीरी गरीबी का अंतर उन दोनों में, सोसाइटी में उन दोनों को मैटर नहीं करता था। एक दिन, वन डे, श्याम बोरोड 5,000 rupees फ्रॉम द राम सेइंग दैट ही नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट हिज ओल्ड हाउस। राम आस्क्ड हिम टू रिटर्न द मनी इन अ फ्यू मंथ्स एंड श्याम एग्रीड टू डू सो। तो श्याम ने एक दिन किससे, राम से 5,000 rupees के लिए कहा, क्योंकि उसे अपना पुराना जो घर था रिकंस्ट्रक्ट दोबारा बनाना था। तो राम ने उसे पैसे दिए और कहा कि कुछ ही मंथ्स में ये पैसे लौटा देना। तो श्याम राजी हो गया। नॉट इवन अ मंथ हैड पास्ड व्हेन राम स्टार्टेड आस्किंग श्याम टू रिटर्न हिज मनी। श्याम वॉज परफेक्ट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड राम बिहेवियर। नॉट एक इवन की मंथ पास गुजरा भी नहीं था, राम ने श्याम से अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए और राम को समझ में नहीं आया उसके बिहेवियर का कारण। ही सेड आई कैन नॉट रिटर्न द मनी सो अर्ली। राम ने कहा कि मैं ये पैसे इतनी जल्दी नहीं लौटा सकता। नॉट इवन ए मंथ इज ओवर, इफ आई हैड मनी टू रीपे क्विकली व्हाट वुड आई बोरोड इट फ्रॉम यू। कि मैं इतनी जल्दी एक ही महीने में तुम्हें पैसे कैसे लौटा सकता हूँ। अगर मेरे पास होते तो मुझे तुमसे उधार लेने की जरूरत क्यों ही होती। लिटिल डिड श्याम नो द रियल रीजन फॉर राम्स चेंज बिहेवियर। सम पीपल हैड टोल्ड हिम दैट श्याम ओन अ ब्यूटिफुल गोल्ड नेकलेस ए गिफ्ट फ्रॉम हिज हर मदर। राम हैड हिज आइज ऑन हिज वैल्यूबल गोल्ड नेकलेस एंड वॉन्टेड टू टेक इट अवे फ्रॉम अ श्याम। कुछ ही समय बाद श्याम को रियल रीजन समझ में आया कि राम का बिहेवियर चेंज क्यों हुआ। कि कुछ लोगों ने कहा कि श्याम जो था वो अपनी माँ के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस लाया है और वो बहुत ही कीमती है, गोल्ड नेकलेस। तो श्याम जो था उससे वो नेकलेस लेना चाहता था। श्याम अगेन बैग राम टू अंडरस्टैंड हिज फाइनेंशियल स्टेटस एंड बैग हिम टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर द मनी ड्यू टू हिम कुड बी पेड बट राम डिड नॉट गिव अप। श्याम ने बहुत कोशिश की, उससे याचनाएं की कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस तो उसका अच्छा है, वो नहीं पे कर पा रहा है, कुछ समय के लिए इंतज़ार करे कि वो उसके पैसे लौटा देगा। लेकिन राम जो था वो गिव अप नहीं करना चाहिए। ही वेंट टू एक्सटेंट ऑफ आस्किंग श्याम टू कम टू द कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। वो हमेशा उससे आर्गुमेंट करता और अपने पैसे लौटाने की बात करता। फिर उसने श्याम से कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा और हमारा जो झगड़ा है आपसी वो वहीं पर सेटल होगा। बट हाउ कैन आई रीच द कोर्ट। अब श्याम ने कहा कि मैं कोर्ट कैसे आ सकता, आई डोंट हैव मीन्स ऑफ अ ट्रेवल सम। सेड श्याम टेक माई बुलक कार्ट सेड राम कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसके जरिए कोर्ट में जाऊंगा, ट्रेवल करूंगा। तो श्याम ने कहा टेक माई बुलक कार्ट सेड राम। राम ने कहा तुम मेरी बुलक कार्ट बैलगाड़ी ले जा सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द क्लॉथ्स। अब श्याम भी बहुत चालाक था, उसने कहा कि कपड़ों का क्या होगा, आई डू नॉट हैव इवन ओन वन डिसेंट सेट ऑफ क्लॉथ्स टू वियर टू द कोर्ट। लेमन सा श्याम कि मेरे पास एक मामूली कपड़ा भी नहीं है कोर्ट में पहनकर जाने के लिए। श्याम ने कहा टेक माई क्लॉथ्स, किसने कहा, राम ने कहा डोंट वरी आई हैव मैनी ऑफ राम कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और आप मेरे कपड़े पहन सकते हैं। एंड शूज आल्सो, उसने अपने शूज भी दिए। हाउ कैन आई वॉक इनसाइड द कोर्ट विदाउट शूज। कंप्लेन श्याम, जब श्याम ने कंप्लेन की कि मैं किस तरीके से विदाउट शू के मतलब
मेरे पास शू नहीं है, मैं कोर्ट में किस तरीके से आऊँगा। तो उसने अपने शूज़ भी दिए उसे। हियर आई विल गिव यू माई राम आंसर्स। उसने ये सारी चीज़ें किसको दी? श्याम को दी। एज इट वर टर्न आउट श्याम वेंट टू द कोर्ट इन अ क्लॉथ्स एंड शूज ही हैड बॉरोड फ्रॉम राम एंड आल्सो ट्रेवल इन द राम बुलक कार्ट। देखिए श्याम कितना चतुर था, उससे सारी चीज़ें किससे ली? राम से। इवन क्लॉथ्स, शूज भी लिए, उसकी बुलक कार्ट भी ली जिसमें वो बैठकर आया। व्हेन दे फाइनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द जज श्याम आस्क्ड राम, जब दोनों को जज के सामने पेश किया गया तो श्याम ने राम से पूछा, टेल मी हूज क्लॉथ्स आर दिस, कि तुम मुझे बताओ ये कपड़े किसके हैं। राम ने कहा, मेरे। हूज शूज आई एम वेयरिंग, दे आर माइन, सेड राम। राम ने कहा, मेरे। एंड द बुलक कार्ट आई ट्रेवल इन दिस मॉर्निंग, आस्क्ड राम, कि ये भी मेरे हैं, दैट इज माइन, सेड राम। एवरी प्रेजेंट इन द कोर्ट स्टार्टेड लाविंग, कोर्ट में जितने भी सदस्य थे सब हंसने लगे, लाफिंग मीन्स हंसने लगे। श्याम स्टार्टेड टू स्पीक, योर ऑनर प्लीज नोट दैट माई फ्रेंड राम सीम्स टू बी इन कन्फ्यूज मेंटल स्टेट, कि मेरा दोस्त की दिमाग की हालत सही नहीं है, वो कन्फ्यूज है। ही हैज़ बीन हरिशिंग मी टू गिव सम हैव सम मनी, वो मुझे हरिश कर रहा है मेरे को पैसे दो। नाउ ही थिंक ऑल दीज थिंग्स पोजेस बिलोंग टू मी, जो भी चीज़ मेरी है वो सभी को अपनी मानता है और वो कहता है कि वो ये मेरी है और मुझे दो। वट कैन आई डू, सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड हिज एरेटिक बिहेवियर, तो मैं उसका ये बिहेवियर समझने में असमर्थ हूँ। किसने कहा? श्याम ने कहा। द जज एग्रीड विद द वट श्याम वाज सेइंग, ही डिसमिस द केस। जजेस जो थे वो समझ गए कि श्याम क्या कहना चाह रहा है और उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। राम वाज फेल्ट विद हिज नो ग्राउंड टू हैरिश, राम ने सोचा, राम अब समझ चुका था कि उसको श्याम को हैरिश करने का कोई मतलब नहीं है। इन दिस वे श्याम वाज सक्सेस इन द फॉलोइंग, राम प्लान्स टू टेक अवे हिज मदर गोल्ड नेकलेस एंड आल्सो टीच राम ए लेसन, ग्रीड इज इवल एंड डिस्ट्रॉय द लॉजिकल थिंकिंग। अब राम समझ चुका था कि वो जितना भी हैरिश करना चाहता था वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ, और उसका जो प्लान था उसके मदर का नेकलेस लेने का वो भी फेल हुआ, और राम को उसने एक अच्छा पाठ पढ़ाया। ग्रीड इज इवल, मतलब लालच जो होता है वो बुरी बला है, एंड डिस्ट्रॉय लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिक भी होते हैं हमारे जीवन के, जो मतलब भी होते हैं वो भी हमारी सोच को बदल देता है। इसलिए बच्चों देखिए, राम ने ज़्यादा लालच किया, जो अपने मनी के साथ साथ उसकी मदर का नेकलेस पाने की भी इच्छा रखी, और उसे अपने मनी से भी हाथ धोना पड़ा। तो आज का ये लेसन हमें क्या शिक्षा देता है? लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो हमारी अच्छी थिंकिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके गाइस, आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी। थैंक यू।